आईपीएल के अगले सीजन के लिए 8 टीमों ने दर्जनों खिलाड़ियों को रिटर्न और रिलीज़ किया है। दुनिया की सबसे महंगी लीग यानी कि आईपीएल, जो कि 2020 में होने वाला है, इसके लिए इससे पहले खिलाड़ियों की बोली लगने वाली थी, इसी के लिए टीमों ने खिलाड़ियों को रिटर्न और रिलीज़ किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को कितनी सैलरी मिलती है? दरअसल आरसीबी के कप्तान विराट कोहली, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की अपेक्षा ज़्यादा मिलती है, जो कि बीसीसीआई ने कंफर्म किया है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं कि किसको कितना सैलरी मिलता है। आरसीबी को बतौर कप्तान एक भी खिताब नहीं दिलाने वाले विराट कोहली को सैलरी मिलता है 17 करोड़। मुंबई इंडियंस को बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने 4 बार खिताब दिलाया है और उनको मिलता है 15 करोड़। और ठीक इतनी ही रकम महेंद्र सिंह धोनी को भी मिलता है, जिन्होंने सीएसके को 3 बार खिताब दिलवाया है। दोस्तों, आप लोगों से यही विनती है कि आप हमारे नए चैनल स्पोर्ट्स टाइम प्लस को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को पा सकें। और हाँ दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।